आज की जो शिव महापुराण कथा नागपुर महाराष्ट्र में हो रही है, इस शिव महापुराण कथा में बड़ा ही अद्भुत चमत्कार हमें देखने के लिए मिला। ये अद्भुत चमत्कार क्या हुआ, तो आप जैसा कि जानते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी आज की कथा में इसके बारे में वर्णन किया। जैसे ही यहाँ पर शिव महापुराण कथा शुरू हुई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल संसार यूट्यूब चैनल, और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा का प्रारंभ नागपुर महाराष्ट्र में हो चुका है, जिसका अद्भुत नजारा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। जो पंडाल बनाए गए थे, 1, 2, 3, 4 पंडाल, वो पूरे पहले ही पैक हो चुके थे। उसके बाद में जो पीछे आपको अलग से एक्स्ट्रा में बनाया गया पंडाल है, वो भी आप देख रहे हैं, वो भी फुल है, और उसके बाद भी लोग बाहर बैठे हुए हैं। बड़ा ही अद्भुत शिव महापुराण कथा का प्रारंभ नागपुर की पावन धरा पर हम सभी को देखने के लिए मिल रहा है, और आज पहले दिन की ही शिव महापुराण कथा में इतना अद्भुत चमत्कार हुआ, जिसके बारे में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी शिव महापुराण कथा में इसकी चर्चा करी। तो क्या हुआ, आइए मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से उस चमत्कार के बारे में बताता हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जानते हैं कौन सा ऐसा चमत्कार आज की शिव महापुराण कथा में हुआ। तो दोस्तों, आज की शिव महापुराण जो कथा थी, तो आज की जो शिव महापुराण कथा नागपुर महाराष्ट्र में हो रही है, इस शिव महापुराण कथा में बड़ा ही अद्भुत चमत्कार हमें देखने के लिए मिला। ये अद्भुत चमत्कार क्या हुआ, तो आप जैसा कि जानते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी आज की कथा में इसके बारे में वर्णन किया। जैसे ही यहाँ पर शिव महापुराण कथा शुरू हुई, 2 बजे के पहले मैं भी यहाँ पर जब पहुंचा था, तो 2 बजे तक यहाँ पर इतनी भयंकर धूप लग रही थी कि जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बहुत गजब की गर्मी हो रही थी, धूप लग रही थी, एकदम चटकेदार धूप थी। और जैसे ही 2 बजे के बाद कथा शुरू हुई, तो यह आप देख रहे हैं मौसम कितना प्यारा हो गया, और सूर्य भगवान को मानो ऐसा लग रहा हो कि भगवान शिव ने ये कह दिया हो कि हे सूर्य देव, आप थोड़ी देर के लिए बादलों के पीछे चले जाइए। और ये देख पा रहे हैं आप, पूरे पंडाल में जितने लोग बाहर बैठे हैं, उनको किसी को भी धूप का अनुभव नहीं हो रहा, और ऐसा नहीं लग रहा है कि धूप किसी प्रकार से परेशान कर रही होगी, क्योंकि छाव हो गई है और अभी भी कथा चल रही है। तो पूरी कथा के दौरान 2 बजे से ऐसा ही माहौल है, मतलब 2 बजे के पहले जब कथा शुरू हुई थी, तो यहाँ पर भयंकर वाली धूप थी, एकदम बहुत तेज धूप लग रही थी। और उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं पूरा एकदम माहौल ठंडा हो चुका है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, बढ़िया मस्त। और ये बड़े ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर सभी लोग शिव महापुराण कथा का आनंद ले रहे हैं, जिसके दर्शन आप कर पा रहे हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।